राजस्थान में विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जहां सीएम राजे जिला मुख्यालयों पर प्रवास करके मतदाताओं की नब्ज टोल रही हैं, वहीं सचिन पायलट मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान चला करके कांग्रेस की खोई हुई ताकत को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बीजेपी में अगला सीएम भी वसुंधरा राजे हो, इसके लिए यहाँ पर कांग्रेस में इस मामले को लेकर के उहापोह की स्थिति बनी हुई है। हाँ, लेकिन बीजेपी में भी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसे लेकर के पशुपेश है। पेश है दिनेश कशाना की एक रिपोर्ट। वर्ष 2018 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है। दोनों ही अपने अपने हथियार रूपी कार्यकर्ताओं को चमकाने में लगे हैं। बीजेपी जहां कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यों के सशस्त्रों से ओतप्रोत कर रही है, तो वहीं खुद सीएम राजे भी जिला दर जिला जाकर नाराज मतदाताओं को खुश करने में जुटी हुई हैं। सीएम का दावा है कि राजस्थान की जनता इस बार एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का भ्रम तोड़ेगी और बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देखें, एक एक गांव, एक एक ढाणी में, एक एक बूथ पर, एक एक शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ता बैठा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर कोई भी दूसरा संगठन आज की स्थिति में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बड़े मनयोग से और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे चार साल प्रदेश में 4.5 साल जो काम किए हैं, अब काम की स्थिति देखिए, पूरे काम की स्थिति है कि कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें 1000 करोड़ रुपए से कम काम हुए हों। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के पहले ही स्पिनिंग कमेटी का शैलजा कुमारी को प्रभारी बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर मानसिक बढ़त बनाने का प्रयास किया है। क्या इस बार ये स्क्रीनिंग कमेटी ही पूरी जांच पड़ताल करके टिकट देगी जिससे पायलट, गहलोत और सीपी खेमे में बटी कांग्रेस कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सके? लेकिन शैलजा की नियुक्ति से दोनों ही खेमों में खलबली मची है। दोनों में ही डर इस बात का है कि क्या वो टिकट वितरण में किसी गुट का समर्थन करता है। लेकिन कांग्रेस भाजपा के 2 माह तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाने को लेकर भी सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। पार्टी चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही आगे है। हमारी तो छानबीन समिति की का चेयरमैन बन चुका है, उसकी कमेटी बन चुकी है, उसका कार्य का काम जो है वो शुरू होने वाला है। हमारी जो छानबीन समिति की चेयरमैन जो है कुमारी शैलजा जी बहुत जल्दी राजस्थान में आने वाली हैं। इसी प्रकार से हमारी दूसरी कमेटियाँ भी जो हैं, चाहे वो चुनाव अभियान समिति हो, चाहे वो क्रियान्वयन समिति हो, चाहे हमारी आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, ये सारी कमेटियां जल्दी से तैयार होके और हम आपस के अंदर जो चुनाव की तैयारी के हिसाब से और हमारे सब आपस में मिलजुल के अच्छे से अच्छे कैंडिडेट निकाल के और तैयारी कर रहे हैं। भाजपा जहां फिर से सत्ता में आने के लिए कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्णय नहीं होने को लेकर कांग्रेस बीजेपी के मनोबल को कम करने का काम कर रही है। बीजेपी ने तो अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के नेताओं की आपसी लड़ाई को मुद्दा बनाकर आम लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया है, जिससे कांग्रेस को पटखनी दी जाए। यहां तक अमित शाह खुद राजस्थान में डेरा डालेंगे, लेकिन अभी तक राजस्थान की जनता का रुख क्या रहेगा ये स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन सत्ता वापसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रयासरत है। जयपुर से दिनेश कसाना की खास रिपोर्ट। दोनों ही खेमों से कोशिशें चल रही हैं और अपने ही दोनों ही पार्टियों के अस्त्र शस्त्र मजबूत किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि किसका दाव काम आता है और इसका दाव बेकार नजर आता है।